चार्जसीट्रु केमिति कटिला प्रताप जेनाको ना मुदला नंबर 13 कटिबा पछरे किए किए देउथिला आइन मंत्री प्रताप जेनाको सुरक्षा महंगा डबल मर्डर घटना रे नुवा ट्विस्ट 13 नंबर मुदला प्रताप जेनाको ना पुलिस चार्जसीट्रु काटिबाकु ने असंतोष प्रकाश करछंती कोर्ट ए हुची सालेपो जेएमएफसी कोर्ट कराय पुणी थरे तदंतर आवश्यकता अछि बोली उपलब्धि करी कोर्ट अधिक तदंत पई महंगा आईआईसी को निर्देश देछंती कोर्ट को सानी तदंत निर्देश परे मंत्री को पई अड़ुआ पड़ीतिबा बेले सरकार को निशाना करछि बीजेपी महंगा डबल मर्डर रे सालेपुर जेएमएफसी को गुरुत्वपूर्ण राय वर्तमान रो आईन मंत्री नगर उन्नयन मंत्री ये परिसर भुक्त खेबे तदंत्र एवं महंगा पुलिस को आज स्पष्ट भाव में निर्देश देचंती के ना भी मुझे बुझुतली बाटरे मिस अंकिता गुरु आई सल्यूट द मैजिस्ट्रेट महंगा डबल मर्डर घटना रे अभियुक्त तालिकार 13 नंबर थिला आईन मंत्री प्रताप जेनाको ना हेले चार्जसीट दाखल बेले मंत्री को ना को काटी देथिला पुलिस परे काहे की मंत्री को ना कटिला तार प्रतिवाद रे सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करथिले कुलमणि बराळंको पुओ रमाकांत बराळ एबे कोर्ट को निर्देश आसीबा परे रमाकांत कहिछंती तांका पाखरे मंत्री को विरोध रे जथेष्ट प्रमाण अछि जहां से कोर्ट रे दाखल करिवे तेबे अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाल को पाखरे मंत्री को संपृक्ति नै तथ्य थिबारु तांको हत्या करा जाइछि बोली कहि पुणी आईन मंत्री को काठगडा को टाणिछंती रमाकांत जो अधिकारी माने मंत्री को विरुद्ध जो अभियोग उल्लेख कले ना चार्जसीट में आम कहूँ कोर्टे कहूँ जहाँ जहाँ साक्ष्य प्रमाण अच्छी जहाँ आम पार एविडेंस अच्छी आम कोर्ट को प्रदान करूँ और पुनः तदंत हेल्ले जो अधिकारी जीवे भी संपूर्ण सहयोग करूँ न्यायाधीश आमर आशा भरोसा निश्चित आशा रखीचु निश्चित आम न्याय पाइबु जनवरी मसरे महंगा नृत्यंगर बीजेपी नेता कुलमणि बराळ और दिव्य सिंह बराळ को निर्मम भाव हत्या कर ए घटना पछरे मंत्री प्रताप जेना हाथ थी अभियोग करते मृतकों परिवार एफआईआर 13 नंबर थिला मंत्री प्रताप जेना ना तेरे कोर्ट को निर्देश आसवा पर पुलिस भूमिका को नहीं भी उठी प्रश्न केमिति और क्यों परिस्थिति रे पुलिस आईन मंत्री ना चार्जसीट रु काटिला और तदंत को मंत्री केमिति प्रभावित करछंती भी उठी प्रश्न कटक्रु इमरान खान भुवनेश्वर सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।